शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए 20 और 21 फरवरी को भोरन स्थित करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के सभागार में एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल के आयोजक और फिल्म निर्माता राजेंद्र राजन ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 2 दिवसीय फिल्म समारोह में हिमाचल के फिल्म निर्माताओं के अलावा देश के अन्य फिल्मकारों को करीब 40 फिल्में दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों का उद्देश्य दर्शकों खासकर छात्र समुदाय में समाज के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के प्रति चेतना जागृत करना है, क्योंकि ऐसी फिल्में सामाजिक सरोकार को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। फिल्म फेस्टिवल के दौरान हमीरपुर जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, ताकि महिला मंडलों व समूहों के अन्य सदस्यों को अपने उत्पाद बेचने में मदद मिले। फिल्म समारोह में पुस्तक मेले का आयोजन भी संभावित है। फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के कुलपति को आमंत्रित किया गया है तथा समापन समारोह के मुख्य अतिथि भाषा और संस्कृति विभाग के निदेशक होंगे। समारोह में अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म फेस्टिवल में देव कन्या ठाकुर, रामपाल मलिक, मेलाराम शर्मा, एकलव्या, सौरव अग्निहोत्री, संजय सूद, दयाल प्रसाद और पीएश कंगा को सम्मानित किया जाएगा। हमीरपुर में ये हम जो करने जा रहे हैं, ये दूसरा फिल्म फेस्टिवल है। इससे पहले मार्च 2015 में नाइटी में एक फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, और हमीरपुर में वो एक पहला प्रयोग था। और ये जो दूसरा फिल्म फेस्टिवल है, इसका नाम है एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019। ये 4 साल के बाद हो रहा है हमीरपुर में, और इसमें ये हो रहा है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के सभागार में 20 और 21 फरवरी 2019 को। इस फिल्म फेस्टिवल का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो हिमाचल में 10-15 जो युवा फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्में बना रहे हैं हमारे, उनकी फिल्मों को किस स्क्रीनिंग के लिए, उनको फिल्मों को दिखाने के लिए, यानी कि उनको फिल्मों को लोग कैसे देखें, उनके लिए वो मंच जो है वो हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और ऐसी फिल्मों में जो हिमाचल के सामाजिक सरोकार से जुड़ी हैं, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई पर्यावरण पर फिल्में हैं, कला संस्कृति को बढ़ावा देने पर फिल्में हैं, और नशे के विरुद्ध फिल्में हैं, इस तरह की जो समाज से जुड़ी हुई फिल्में हैं वो हम इस फेस्टिवल में दिखाना चाहते हैं। और इस फिल्म फेस्टिवल का जो मकसद है वो यही है कि फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपनी फिल्में दिखाएं, उन पर चर्चा हो, बातचीत हो। और दूसरा ये है कि इस फेस्टिवल को हम शहर से गाँव की ओर ले जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रयास है कि फिल्म फेस्टिवल शहर से गाँव की ओर जाए। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में के आसपास को जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, या वहाँ के महिला मंडल हैं, प्रधान हैं, पंचायतें हैं, उनके लोग भी बड़े शहरों में फिल्में देखने नहीं आ सकते, उनके लिए संभव नहीं है। तो हमने ये कोशिश की है कि सिनेमा को हम गांव तक ले जाएं। तो इसमें हम छोटी छोटी ऐसी कम से कम भी को 30 फिल्में 2 दिन में दिखाएंगे, जिसमें हिमाचल के जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी कम से कम 10 फिल्में होंगी।